हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ विसल ब्लोइंग, सबसे अच्छा टॉपिक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि आप डिसओबीडियंस, जो ऑर्गेनाइजेशन डिसओबीडियंस है, उसमें आपके तीन टाइप बताए थे, जिसमें जो लास्ट जो था वो था डिसओबीडियंस बाय प्रोटेस्ट। आप डिसओबीडियंस या अगर आप कुछ अनएथिकल या इलीगल काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो उसको आप प्रोटेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब आप उसमें इंटरेस्ट किस तरीके से नहीं शो कर सकते हैं। उसमें थर्ड था कि आप प्रोटेस्ट करके नहीं शो कर सकते हैं। तो प्रोटेस्ट करने का मतलब है कि आप बाहर जाकर वो इन्फॉर्मेशन दें कि हमारी कंपनी में कुछ गलत हो रहा है। दैट कम्स इज़ ना विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा जो अभी आप कोरोना वायरस में देख रहे हैं। तो आपने एक वीडियो देखा होगा कि जो चीन के डॉक्टर थे, उन्होंने पहले ही इस चीज़ की अनाउंसमेंट किया था चीन में कि ये वायरस बहुत हद तक लोगों को मारेगा और बहुत ही बेकार वायरस है ये, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए। बट चीन ने क्या किया था कि उस डॉक्टर को पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि ये बाहर जाएगा, ये हमारी मतलब हमारा जो ये मेडिकल डिपार्टमेंट है उससे ये इस इलीगल चीज़ को बाहर निकाल रहा है। तो उसने विसल ब्लोइंग की थी उस डॉक्टर ने, बट किसी ने सुनी नहीं, जिसका परिणाम आप आज देख रहे हो कि क्या से क्या हो रहा है, कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो विसल ब्लोइंग आपको समझ में आ गया। वन रिवल्स इंफॉर्मेशन दैट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वॉन्ट रिवील टू द पब्लिक और अ सम अथॉरिटीज़। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है वो बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मोस्टली इलीगल ही होती हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि ये कितने टाइप का होता है, तो फर्स्ट आता है इंटरनल विसल ब्लोइंग। इंटरनल विसल ब्लोइंग का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन को बता रहा है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है। वन रिवील्स इन्फॉर्मेशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वॉन्ट टू रिवील टू द पब्लिक और सम अथॉरिटी, ये आपका विसल ब्लोइंग हो गया। इंटरनल में आपका आता है कि जो विसल ब्लोअर है वो क्या है कि उसी कंपनी में काम करता है, तो वो ये कर सकता है कि वो जैसे वो सपोज इंटरनल उसको कुछ लगता है कि मेरे बॉस मुझे मतलब कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो अपने बॉस को डायरेक्ट तो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो पार्ट है उस रॉन्ग डूइंग एक्टिविटी है उसमें पार्ट कर रहे हैं। तो वो ये काम कर सकता है कि उस बॉस के जो सुपीरियर बॉस हैं उनको जाकर बता दें कि ये जो चीफ हैं ये इस तरीके से गलत काम कर रहे हैं। दैट कम्स इन अ इंटरनल विसल ब्लोइंग, कि वो बाहर जाकर पता नहीं बता रहा है उस इलीगल काम को, बट वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में उनके जो हेड हैं उनको बता रहा है। जैसे आप देखते हो कि चैनल होता है जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फिर उसके बाद से आता आपका AGM, तो वो सीनियर मैनेजर को बाईपास करके डायरेक्ट AGM को बता दे क्योंकि सीनियर मैनेजर ही है जो इलीगल काम को बढ़ा रहा है। सेकेंड आता है एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग, उसमें जो विसल ब्लोअर होता है वो बाहर जाकर लोगों को बताता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है। द विसल ब्लोअर गोज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अलर्टिंग द रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन और अ प्रेस। बाहर में वो किसके पास जा सकता है? पुलिस के पास, प्रेस के पास जा सकता है। ओपन विसल ब्लोअर, ओपन विसल ब्लोअर इज द विसल ब्लोअर हु रिवील्स हिज आइडेंटिटी, जो कि बताता है कि हाँ वो अपने नाम के साथ आता है कि मैं आइडेंटिटी लीक कर रहा हूँ। कोरोना वाले केस में आप देखोगे कि उस डॉक्टर का फेस और सब कुछ बाहर आया था, सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आई थी। आपका लास्ट आता है एनोनिमस विसल ब्लोइंग, इसमें जो विसल ब्लोअर होता है वो अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखता है। तो विसल ब्लोअर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। फोर एस्पेक्ट होते हैं आपके विसल ब्लोअर के। फर्स्ट आता है बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर, जो भी जो डिस्क्लोज कर रहा है, द बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर मे बी इंटरनेशनल और अंडर प्रेशर सुपीरियर और अदर नॉट टू डिस्क्लोज इरेगुलरिटी। जो भी आपका डिस्क्लोज़र है उसके ऊपर से इंटरनेशनल या जो भी आपके उनके बॉस हैं उनका प्रेशर है कि तुम्हें ये चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करना है। ठीक है, तो उस वजह से मतलब तुम्हारी जान भी जा सकती है, लोग धमकाते हैं इस तरीके से कि नहीं तुमने अगर ये डिस्क्लोज़ किया तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, तुमको हम पुलिस में भर्ती करा देंगे, मतलब बहुत तरीके की जो आप ब्लैकमेलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रिलेवेंस ऑफ टॉपिक, द विसल ब्लोअर बिलीव्स दैट द इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक, मतलब जो भी विसल ब्लोअर जो भी इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन कितने हद तक सोसाइटी में गलत कर सकती है। जैसे ये कोरोना का जो था वो इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा
बुरा है। तो ये विसल ब्लोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी बट बहुत लेट में हुई। थर्ड आता है एजेंट। द पर्सन डिस्क्लोजिंग द इन्फॉर्मेशन मे बी अ करंट और अ फॉर्मर एम्प्लॉय और अ पर्सन हैविंग क्लोज लिंक टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एजेंट है, जो भी विसल ब्लोअर है, वो उस कंपनी में काम करता है या बाहर से आया है उस कंपनी में और मतलब बाहर का एम्प्लॉय है लेकिन उसको पता चल गया है कि ये विसल मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इलीगल काम हो रहा है। फोर्थ आता है रिसिपियंट। द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु रिसीव द इंफॉर्मेशन इज इन पोजिशन टू रेमेडी द प्रॉब्लम और अलर्ट द अफेक्टेड पार्टीज़। जो रिसिपियंट है, जो विसल ब्लोअर है, जिसको जाकर बता रहा है प्रेस या मीडिया या जिसको भी, क्या वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे या उस चीज़ को रोक पाएंगे जो भी एक्टिविटी या जो भी मिसलीडिंग हो रही है। तो ये चार एस्पेक्ट आते हैं विसल ब्लोअर के पॉइंट ऑफ व्यू में। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2018 का ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही सिली क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए आप। अ विसल ब्लोअर इज़ समवन हु विसल क्लासिकल म्यूजिक। मतलब मैंने अगर 5 मिनट ख़त्म कर दिए हैं तो आप डेफिनेटली नंबर वन को तो नहीं टिक करोगे। सेकंड ऑप्शन इज इन्फॉर्मेशन ऑन एनी इलीगल अनएथिकल और करप्ट एक्टिविटी गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज अडेप्ट इन विसलिंग। फोर्थ इज बूस्ट अबाउट हिमसेल्फ। तो नो डाउट इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप पढ़कर ही टिक कर सकते हो। ऑप्शन टू इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या आया है, व्हाट इज़ अ मीन बाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है बट मैंने यहाँ डाल दिया है। यहाँ पर आप इसको प्लीज़ इसका आंसर आप ढूंढ कर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। थर्ड आप देखते हैं, व्हेन शुड विसल ब्लोइंग बी अटेम्प्टेड। विसल ब्लोइंग कब अटेम्प्ट करते हैं। देयर मस्ट बी, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। देयर मस्ट बी अ क्लियर एंड ग्रेटर हार्म दैट कैन बी अवॉइडेड। द विसल ब्लोअर मस्ट बी इन अ क्लियर पोजिशन टू रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम। द विसल ब्लोअर मस्ट हैव अ रीजनेबल चांस टू सक्सेस इन स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटी। द विसल ब्लोअर फील्स दैट ऑल अदर लाइन ऑफ एक्शन विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एक्सप्लोर्ड एंड शट ऑफ। तो ये क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जिससे आपको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। आंसर करने के लिए मैं तुरंत इसको बता सकती हूँ, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, बट आप सोचो, आप इस वीडियो को दोबारा सुनो और उसके बाद आंसर टिक करो, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। चलिए एक कुछ अनएथिकल जो टर्म्स हैं उनको मैं जल्दी से बता देती हूँ। प्लान स्टैम्पिंग। प्लान स्टैम्पिंग क्या है, अप्रूव समथिंग विदाउट प्रॉपर एनालिसिस फॉर द मनी। प्लान स्टैम्पिंग में क्या है कि जैसे आप रेलवे में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने कोई भी ठेकेदारी से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को पास किया है तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि उन्होंने कितने में अप्लाई किया था, बाकी सारे टेंडर्स जो हैं वो कितना अप्लाई किए थे, आपने उनके पेपर को क्या मतलब पूरा अच्छे से पढ़ा। अगर आपने वो पेपर एनालिसिस नहीं किया है तो देट कम्स इन अ प्लान स्टैम्पिंग। आपने बिना पेपर को पढ़े उस जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट इज डबल डिपिंग। इसमें क्या है कि आप दो डिफरेंट सोर्सेज से जो इनकम ले रहे हैं उसको कहते हैं डबल डिपिंग। नॉर्मली अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती है कि आप एक साथ दो कंपनी में काम करें या अपना कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस करें। लाइक अगर आप डॉक्टर्स की बात करते हैं तो अगर वो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट डॉक्टर भी होते हैं और वो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी करते हैं तो दैट कम्स इन अनएथिकल वे। थर्ड इज मूनलाइटिंग। सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज़ वर्किंग एज ए एम्प्लॉय फॉर टू डिफरेंट कंपनीज इलेजिमेटली इन अ स्पेयर टाइम। सेम वही हो गया जो आपको मैंने एग्जांपल दिया है। यहाँ पर जब डबल डिपिंग में है कि टू डिफरेंट सोर्सेज से उसको इनकम मिल रही है, ठीक है। मून लाइटिंग में है कि वो टू डिफरेंट जगहों पर काम कर रहा है, ठीक है। तो मून लाइटिंग में डिफरेंट हो सकता है कि कुछ होता है कि शाम को लोग फ्री के ट्यूशन्स दे रहे होते हैं, उसमें आपका आ जाता है कि मून लाइटिंग आ जाती है। थर्ड फोर्थ इज बुटलैग। इलीगल कॉपी ऑफ वीडियो, जैसे आप देख रहे हो कि आजकल पायरेसी वगैरह बहुत हो रही है तो उसको हम कहते हैं बुटलैग। एस्पियोनेज, इसको क्या कहते हैं, द थिंग दैट आर डन टू फाइंड आउट सीक्रेट फ्रॉम एनबीज और कॉम्पिटिटर, उसको हम क्या करते हैं एस्पियोनेज कहते हैं। कि आपको कुछ, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से आप सीक्रेट जो एनबीज हैं उनसे आप सीक्रेट को लीक करा रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग ओनली दोज डेटा विच आर फिट फॉर वंस फेवर्ड थ्योरी एंड डिस्कार्डिंग द डेटा रिलेटेड टू हिज इरेगुलरिटी। आप वही डेटा, जैसे इसको डिसऑनेस्टी के टर्म में भी लेंगे, आप वही डेटा शो कर रहे हो जो कि आपके फेवर में आपके डिसीजन को दे। आप वो डेटा नहीं शो कर रहे हो, मतलब आप उसके रिलेवेंट डेटा को नहीं शो कर रहे हो। फैब्रिकेशन क्या होता है, इन्वेंटिंग इनकरेक्ट डेटा।
फॉल्सिफिकेशन में आप इनकरेक्ट डेटा नहीं दे रहे हो, आप हाफ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जबकि फैब्रिकेशन में क्या है, आप इनकरेक्ट डेटा दे रहे हो, इवन रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट वर नॉट इंक्लूडेड। कभी कभार आप क्या करते थे, जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपकी रीडिंग नहीं भी आई या फिर भी फॉल्स रीडिंग लिख देते हैं कॉपी साइन कराने के लिए, प्रैक्टिकल कॉपी, तो दैट कम्स ऑल्सो इन अनएथिकल वे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं कल से क्वालिटी ऑन प्रोजेक्ट की भी अपडेटेड वीडियोस बना रही हूँ, तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपकी सक्सेस की गारंटी मैं लेती हूँ, मतलब आपके सिलेक्शन के प्रीलिम्स की गारंटी मैं लेती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।